सीतारा जय रघुपति राघव राजा रघुपति पावन सीता जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता। अभी दोनों प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, इधर हनुमान जी कह रहे हैं श्री सुकांत हनुमान को, भले ये राम दो ही तो अक्षर है और क्या है राम दो अक्षर, क्या दो अक्षर राम से बचा देगा? बोले चिंता मत करो, हरि से बड़ा हरि का नाम, विश्वास करके हरि नाम करो। एक तो डर से भजन कर रहा है और एक से प्रेम से भजन कर रहा है। बोले डर से कौन नाम ले रहा है? बोलो सुकांत, वो डर से नाम ले रहा है। और प्रेम से कौन नाम ले रहे हैं? हनुमान जी। एक डर से और एक प्रेम से। इतने में भगवान राम ढूंढते ढूंढते आए, वो दुष्ट गया कहा? आया तो अंजना घर में आई, बोले सुकांत कहा गया? बोले एक बंदर ने उसको कहीं लेकर गया। बोले बंदर कौन? बंदर लेकर गया। बोले हनुमान होगा और कौन होगा है? बोले चलो कहां पर आकर के देखा, हनुमान जी को पूछ कर नीचे बैठा हुआ और हनुमान जी सामने बैठे हुए और रघुपति राघव राजा राम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। हे राम को तो बड़ा क्रोध आया, उठाया उन्होंने धनुष। जब धनुष उठाया उन्होंने मारी, बोले भगवान का राम का बाण कैसे है? बोले अचूक है वो बाण, अचूक राम है बाण है। कहते भगवान जब राम बाण को पकड़ते ना वो एक गुण होता है, जब निकालते वो सौ हो जाता है, जब चढ़ाते वो हजार होता है, जब खींचते हैं लाख होता है, जब मारते हैं होता है करोड़, और जो प्रहार करता है प्राण को ले लेता है। रामायण देखे हो? कौन कौन देखे? सब देखे। अब देखे ना, जब रावण जब राम के साथ में युद्ध किया पहले थे, पहला बार में जो हार गया, जो जागरे कह रहा है भगवान मैंने शंकर से भी युद्ध किया, ब्रह्मा जी से विष्णु के साथ में भी युद्ध किया, लेकिन ये राम पता नहीं कब ये बाण निकालते कब और कब चढ़ाते छोड़ते पता ही नहीं चलता है। जैसे साक्षात काल जैसे, वो जैसे साक्षात काल जैसे कैसे प्रहार करते हैं। मैंने बड़े बड़े योद्धाओं के साथ युद्ध किया। बोले भगवान ये जो बाण मारता है मेरे को तो इतने अपमान भरी सभा में मेरे अस्त्र शस्त्र काट कूट करके रथ को ध्वजा को उड़ा दिए, पहिया को मार करके है जला दिए मेरे, आज केवल उन्होंने अपमान अपमान किया और कुछ मेरे साथ में किया ही नहीं। लेकिन देखो ये बाण भी बात मत करो, इसलिए कहते ये भगवान की राम का जो बाण जो अव्यर्थ है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करते हैं, ये नाम है कैसे, भगवान भी नाम जप करने वाले व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ठाकुर भी कुछ नहीं कर सकते, ये नाम में इतने इतने ये नाम में शक्ति है। इसलिए जब नाम को जब बाण मार रहे थे ना, वो प्रभु का नाम जप कर रहे थे, वो नाम जप करते समय वो जो नाम रूपी जो चक्र है ना, वो एक चक्र जैसे था है, एक चक्र था। आप लोग लव कुश को साथ देखे, वो युद्ध करते समय देखना, जो भरत लक्ष्मण जो बाण मार रहे थे ना, मंत्र जप करते ही उसको चारों तरफ से चक्र आ जाता है। देखे कि नहीं, वो बाण आता है वो चक्र में लगता है और वही गिर जाता है, चक्र में लगता है कुछ नहीं होता है। इसलिए वो जो भगवान के नाम जप कर रहे थे ना, वो नाम रूपी चक्र उनका क्या कर रहा था। और भगवान का नाम कैसे, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। वो बाण तो मारते हैं लेकिन बाण क्या होता है, लगता है वो गिर जाता है, लगता है गिर जाता है। भगवान राम देखा ये क्या चक्कर है, मेरा बाण कोई काम नहीं कर रहा है, हैं? ये गिर जाता है। ये चीज को देख करके लक्ष्मण को तो बड़ा क्रोध आ गया, बोले तो प्रभु का तंग कर रहा है, ये प्रभु की तंग कर रहे हनुमान जी। इतने में लक्ष्मण जी गुरु, अब गुरु जी है ये राम तो भगवान है ना, हाँ भगवान का नाम रखा करे लेकिन ये तो गुरु तत्व है, हाँ ये शंकर सन गुरु तत्व है। इन्होंने इनको बड़ा क्रोध आया, भगवान राम तो बाण मार रहे थे, किसको मार रहे थे, सुकांत को मार रहे थे, लेकिन वो पूछ कर नीचे बैठा हुआ, लेकिन इन्होंने सीधा किया, उन्होंने सीधा हनुमान को चढ़ा दिया तीर। जब हनुमान को ऊपर बाण मारे ना, वो तीर जाकर के हनुमान की छाती में लगा,
लेकिन लगा तो हनुमान जी को छाती में, लेकिन हनुमान के हृदय में कौन बैठे हुए है? कौन बैठे हुए? राम बैठे हुए। वो तीर हनुमान को छाती में तो लगा, लेकिन कि भगवान राम बेहोश हो गए। भगवान राम बेहोश हो गए। जब भगवान राम बेहोश हो गए, इतने में जब उनकी होश आया, इतने में होश आया तो इतने में श्री नारद जी कौतुकिए हैं, झगड़ा लगाने वाले नारद जी, नारद जी आ गए। जब नारद जी आ गए, इतने में भगवान राम ने सुकांत जी को बोले, बोले सुकांत ये बताओ, तुम कौन सा असत संग से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई जो कि विश्वामित्र को तुमने प्रणाम नहीं किया? बोले ठाकुर जी असत संग से नहीं सत्संग से हुई। बोले सत्संग से? भैया कौन सा सत्संग से? बोले देखे नारद जी का सत्संग, इन्होंने मेरे को भड़काया था। बोले विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना, इनकी संग से सत्संग से हुई है। बोले नारद जी तुमने ये सब उल्टा पुलटा झगड़ा क्यों लगाए? बोले प्रभु मैं जहां जहां जाता हूँ ना, जहां जहां जाता हूँ सब दुनिया के लोग मेरे की एक ही प्रश्न करते हैं, भगवान बड़ा ना उनका नाम बड़ा। सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न, अभी मैंने सोचा आपसे क्या काम करते, सारा दुनिया को क्या पता चल जाए हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए प्रभु मैंने ये काम किया है, यहाँ दिखा दिया। देखो भगवान का नाम को जो जप करते हैं, भगवान भी उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हरि नाम को किसको किसको हरि नाम करनी चाहिए? बोले एतत निर्विद्यमानानां, जो संपूर्ण रूप में माया से मुक्त हो गए वो भी भगवान का नाम लेते हैं। और इच्छताम अकूत भयम्, अगर जीवन में कोई अभय बना चाहते, क्या बना चाहते हो? हम लोग सब डरे हुए ना, मतलब कौन डरे हुए नहीं, सारा दुनिया डरा हुआ है। कोरोना आया तो सबको बंद कर दिया, घर से कोई निकले नहीं है, इसलिए हम सबके सब डरे हुए है। कि अगर सचमुच से कोई अभय पाना चाहते क्या करो, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरि नाम करो, बस एकदम निर्डर रहो। तुमको कोई कुछ, तुम्हारी जगत में कोई कुछ तुमको बिगाड़ नहीं सकता है। कहते जोगी नाम नृप निर्मित, जितने जोगी जितने हैं और जितने साधु हुए सबके सब मिल करके एक ही सिद्धांत पर पहुंचे हैं। इन लोगों ने क्या सिद्धांत लिया? बोले हरे नामान कीर्तनम, जो व्यक्ति हरि का नाम कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी की नाम कीर्तन करते हैं, समस्त वेद पुराण इतिहास सबके सब शास्त्र उसको पढ़ना सब कुछ हो गया है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, पहला जो हमारी निष्ठा है किसका प्रति होनी चाहिए? नाम का प्रति निष्ठा हो, हरि नाम जपा करो। हरि नाम को नियमित पूर्वक, ऐसे नहीं गुरु जी से माला ले लिया, लेकर के दो दिन तक जप किया, उसके बाद में जान लटका लटका रह गया, लटकी रहेगी माला नहीं। जब तक हम कुछ माला नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करनी चाहिए, पहले भजन उसके बाद में भोजन, पहले भोजन नहीं पहले भजन करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर के पास में इन्होंने प्रसाद लेकर के आए, जगन्नाथ का प्रसाद, नियम है प्राप्ति मात्र न भोक्तव्यम, प्रसाद आते ही एकदम झटाझट उनको सम्मान करनी चाहिए, मतलब प्रसाद को ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि जो महाप्रसाद है ये भगवत अभिन्न, भगवान से अभिन्न ये भगवान का प्रसाद, इसलिए प्रसाद आते ही झट ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन उनके पास महाप्रभु साक्षात भगवान प्रसाद लेकर के आए, लो प्रसाद। बोले प्रभु आज नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोले मेरी नाम पूरी नहीं, संख्या वाला मेरी पूरी नहीं, इसलिए मैं हरि नाम मैं माँ प्रसाद नहीं ले सकता। बोले भैया तुम बूढ़े हो गए, थोड़े कम किया करो, सारा जीवन तो 3-3 लाख हरि नाम किया, अभी तो थोड़ा कम करो। बोले प्रभु शरीर तो मेरे चंगा है, लेकिन जो मन है ना ये बड़ा दुष्ट, ये मन है, ये मन इतना दुष्ट है, सारे काम के लिए समय निकाल देगा, सिनेमा देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, लेकिन जब भजन की बात बताओ ना ये मन पता नहीं क्या क्या बहानाबाजी करना शुरू कर देता है, ये हो गया वो हो गया, ये काम बाकी रह गई वो काम बाकी रह गई। भैया बहानाबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले कुछ माला करो। इसलिए गुरुदेव कहते थे एक दिन अगर माला जप नहीं किया तो ठाकुर जी दिन भर भूखे रहेंगे, भगवान भोजन नहीं करेगा, ठाकुर जी खाना नहीं खाए, ठाकुर जी स्नान कपड़ा नहीं बदलाए है। इसलिए कभी माला को भूखा नहीं रखनी चाहिए, कभी तुम खुद भूखे रह जाओ, खुद भूखे रह जाओ, लेकिन माला को भूखा
नहीं रखनी चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, कहते हैं तन्नाम, पहले तुम्हारी निष्ठा किस में होनी चाहिए, हरि नाम में तुम्हारी निष्ठा होनी चाहिए, उसके बाद में तन्नाम रूप, उसके बाद में भगवान की जो सुंदर रूप है, जो श्याम सुंदर जो रूप है, वो रूप का प्रति तुम्हारी प्रेम, भगवान के रूप का प्रति तुमको ध्यान करनी चाहिए। ठाकुर जी की कैसे भगवान त्रिभंग ललिता रूप में खड़े हुए, कृष्ण कैसे मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, ठाकुर कैसे पीतांबर पहने हुए, कैसे तीन जगह से टेढ़े हैं, कैसे ठाकुर जी मयूर मुकुट धारण किए, गले में कैसे वैजयंती माला है, हैं वैजयंती माला, कान में कैसे मकराकृत कुंडल है ठाकुर जी की। इसलिए भगवान की सुंदर रूप को भगवान की ध्यान करनी चाहिए। तन नाम रूप बोले चरितादि क्या करनी चाहिए, भगवान को जो दिव्य कथाओं को सुननी चाहिए, भगवान कथा समय हो, जैसे आप लोग मंदिर में आते हो कथा सुनने के लिए आते हो, हैं भगवान की कथा सुनो, क्योंकि आप जिनकी कथा सुनोगे ना, अब देखना उसको धीरे 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 उसके प्रति तुम्हारे प्रेम हो जाएंगे जिसकी कथा सुनोगे। इसलिए रुक्मिणी कृष्ण को कहती है, प्रभु आप भी मेरे को नहीं देखा, मैं भी नहीं देखा, लेकिन ये नारद इससे कथा सुन सुन करके ना तुम्हारे चरण में मेरी प्रीति होगी, प्रेम होगी, मैं शादी करूंगी तो तेरे को ही शादी करूंगा और किसी को मैं शादी नहीं करूंगी। सचमुच से देखो कृष्ण आए और बीच से उठा कर ले गए, ठाकुर जी आए ठाकुर जी उठा करके ले गए। इसलिए हम भी अगर कृष्ण की कथा सुनेंगे ना, जब हम माया की चारों तरफ जो माया घिरा हुआ है, एक दिन कृष्ण आएंगे, हम भी उठा करके ठाकुर जी अपना गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी हमें ठाकुर जी ले जाएंगे। इसलिए क्या करो, उनकी कथाओं को सुनो, ठीक है ना। अभी गुरुदेव जी से कथा मंदिर में जाते हो कथा सुनने के लिए, अगर कभी नहीं जा पाए तो गुरु जी को देखना, कथा रोज रोज दो तो कथा आती है यूट्यूब में, देखना कथा दो तो आती है गुरुदेव की, दो तो कथा आती है, उसको अगर घर में लगा दिया, कोशिश करना तो मंदिर आने के लिए, लेकिन जो दूसरे समय में घर में जैसे रसोई बना रहे हो वहां पर गुरु जी कथा को लगा दो, गुरु जी कथा लगा करके बस कथा को सुनते रहो, इधर रसोई बनाते रहो, दोनों काम हो गया, कथा भी सुनना हो गया, अपनी घर की सेवा भी हो गई, दोनों काम हो गई। और हमारे जब जो विशाखा दीदी एक ग्रुप करिए, तो ग्रुप में जुड़ जाओ, बढ़िया काम है, सबरे उठा कर हरिनाम कराती है सबको, हरिनाम कराती है, रोज थोड़ा कथा सुनाती है, उसमें जुड़ जाओ तो सीख भी जाओगे। फिर वो लोग क्या करते, एग्जाम भी दिलाते हैं, फिर उसमें मार्क भी देते हैं, इसमें मार्क भी देते हैं, और जो बढ़िया मार्क रहेगा उसको भी कुछ प्रेजेंट एंड सब कुछ कुछ देते हैं, उपहार भी देते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोलते नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो, क्या करो अच्छे तरह से उसको कीर्तन करो, बोले तिष्ठन ब्रजे, बोले कहाँ रह करके भजन करनी चाहिए, बोले वृंदावन में रह करके भजन करो, बोले सब अगर वृंदावन आ जाएंगे फिर वृंदावन फिर भर जाएगा, लेकिन फिर वृंदावन आएंगे तो पैसा भी जरूरत है ना, पैसा भी जरूरत है, इसलिए फिर पैसा, इसलिए कहते अगर शरीर से वृंदावन नहीं जा सकते हो, मन से वृंदावन में रहो, मन में कैसे वृंदावन में रहेगी, अगर हर समय हम भगवान की कथा सुने, कीर्तन करें, भगवान के नाम जप करना, भले ही तुम कहीं रह रहे हो वही वृंदावन में रह रहे हो, वही वृंदावन, तुम लोग सब वृंदावन ही रह रहे हो, कहते भी बड़ौदा में रह रहे हो, लेकिन है तो बड़ौदा में, लेकिन तुम लोग कहाँ रह रहे हो, वृंदावन में रह रहे हो, क्यों, घर में ठाकुर को पूजा करते हो, कथा सुनते हो, उनका नाम लेते हो, बस वृंदावन की जहाँ पर प्रभु का कीर्तन कथा वही तो वृंदावन है, वही वृंदावन है। कहते ये जितने सारे उपदेश में रूप गोस्वामी कहते ये एकदम सर्वश्रेष्ठ ये उपदेश, बस एक उपदेश को पालन करो, हमारे जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, निताय गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल, हरि कृष्ण। देखो इस बार हम जन्माष्टमी है ना, हम सोच रहे हैं एक नया, यहाँ पर एक नया सिस्टम बनाएंगे, जैसे कृष्णा जब जन्म हुए, बात मत करो, जैसे कृष्णा जन्म होते ना मथुरा में जब गुरु जी रहते थे, जैसे राधा रानी की जन्म उत्सव में ये काम करते थे, जैसे राधा रानी जन्म हुई, जैसे सारे ब्रजवासी बधाई देने के लिए आती है ना, उपहार लेकर बधाई देने के लिए, इस बार हम कोशिश करेंगे वृंदावन ये यहाँ पर बड़ौदा में भी इसको करने के लिए, जैसे कृष्णा जन्म हो जाए, कल जन्म होंगे, परसों हाँ परसों हम कोशिश करेंगे, सोच रहे थे सवेरे करें, जैसे हमारे ब्रजवासी लोग आए बधाई लेकर के मैया जसोदा को बधाई देते हैं, हम कोशिश करेंगे इसको सवेरे, क्योंकि अब रात 12 बजे तक रहोगे, फिर प्रसाद पकड़ जाओगे 1 बज जाएगा, फिर इतना जल्दी सो कर उठ नहीं सकते हो, इसलिए हमारे महाराज बोले इसको शाम को करो,
क्योंकि शाम को करने पर लोग थोड़ा विश्राम कर लेंगे ठीक से, फिर शाम को हम ऐसे करेंगे जैसे सारे ब्रजवासी घर घर से बधाई लेकर के आए। इसलिए हम कीर्तन करते करते हम हर घर घर में जाएंगे और वहाँ के जो माताएं अड़ोस पड़ोस माताओं को सबको इकट्ठे करके हैं, जैसे डाली डाली क्या बोले डलिया टोकरी टोकरी, इस टोकरी में थोड़ी सी फल हो, थोड़ी सी नमकीन हो, उसमें कुछ रख करके ना, जैसे सर पर रख करके, जैसे सारे ब्रजवासी बधाई देने के लिए आते थे, इसलिए हम घर घर से ऐसे कीर्तन करते करते जाएंगे ठीक है, और सब घर घर में जाएंगे। इसलिए हम अभी अगर रूट बनाएंगे किधर से जाने पर ये आसानी होएगा है, किधर से जाने पर थोड़ी आसानी होएगा, हम एक रूट बनाएंगे, रूट बना करके हम लोग कोशिश करेंगे ठीक है। मूलतः इस तरफ में आना दिक्कत हो जाएगा, हम इस तरफ नहीं आकर के हम उस तरफ में तुम्हारी घर थोड़ी सी दूर पड़ जाएगा, हम तब भी देखेंगे क्या होता है ठीक है। हम सब उस तरफ में तुम्हारे घर में भी आएंगे तो भी अड़ोस पड़ोस में ना बोल देना, सब मिल करके आएंगे ठीक है ना। थोड़ी हर घर से अगर एक एक टोकरी में थोड़ी सी फल हो, थोड़ा नमकीन हो, थोड़ी सी मिठाई, कुछ भी एक टोकरी में रख करके घर घर में तुम 10-15 लोगों को तुम्हारी माँ से तैयारी करना और तुम्हारे घर में आएंगे, उमा दीदी घर में आएंगे, तुम भी अड़ोस पड़ोसियों को वहां से जितने ही सबको इकट्ठे करना, भले हम भगवान जन्म हुए हैं हम बधाई देने के लिए जाएंगे, इसलिए तुम लोग एक एक टोकरी अपना हर घर से एक एक टोकरी को तैयार करो और बड़े सुंदर कपड़ा मोड़ा पहन करके सज करके सब सर में रख करके सबके सब आएंगे तुम्हारे घर में, और तुम्हारी घर तक दूर पड़ जाएगा ना पुराना रोड पे हाँ, तो तुम भी कोशिश करना आना पर हाँ, तो तुम्हारे भी जो वहाँ भी बहुत सारे भक्त लोग हैं, तुम सबको सबको तुम्हारे दायित्व है, ये तुम्हारे दायित्व ये है, तुम्हारे दायित्व है, तुम भी वहाँ पर जितने हमारे भक्त लोग हैं सब भक्त लोग को सारे सामान को तुम्हारे घर में इकट्ठे कर देना, क्यों सबके घर में जाना दिक्कत है, इसलिए तुम सारी घर में भक्तों को बुला करके, वहाँ कितने भक्त होंगे घर हमारे 3-4 फैमिली कोशिश करना जितने वहाँ पर होंगे बिना हमारे भक्त भी बगैर भी जितने 20-25-30 जितने होंगे माता हम वहाँ पर इकट्ठे करना, बोले हम भगवान जन्म हुए हैं ब्रजवासी जैसे बधाई देने जाते हम भी हर घर घर से एक टोकरी को तुम संग्रह करना, तुम वहाँ से करेंगे ठीक है, यहाँ से वहाँ करेंगे। और तुम्हारी मोनिका तुम्हारी गली में भी हाँ वहाँ 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 तुम्हारी उधर उधर से गली, और जितने भक्त तुम सब भी इकट्ठे करना 15-20 भक्तों को इकट्ठे करना, बोलो हम बधाई देने के लिए जाएंगे, फिर शाम को कीर्तन करते करते हम कीर्तन करते करते हैं ठीक है, फिर मंदिर में आएंगे, फिर घर कीर्तन होगी, फिर कथा होगी, उसके बाद प्रसाद पा करके फिर हम लोग घर में जाएंगे ठीक है। हम लोग ये सोच रहे हैं पहला बार ये चीज करेंगे, और माइक बढ़िया अच्छी तरह से माइक सजा करके, क्यों रथ यात्रा करने तो सरकार तरफ से आदेश नहीं, इसको हम आसानी से ये कर सकते हैं ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। प्रसाद भोग लग गया ना, भोग लग गया कि नहीं ठीक है, क्या कहा वहाँ जाएंगे, रामबाग जाएंगे, उधर जाएंगे, तुम्हारी घर है ना, तुम वहाँ वहाँ नवीन प्रभु घर में भी जाएंगे हाँ, तुम लोग वहीं पर ये कर लेना, और जितने भक्त लोग इकट्ठे कर लेना, जितने सारे भक्त है सब इकट्ठे करके एक जगह पर आएंगे, कीर्तन करते करते जाएंगे। हम सोचते हैं उस तरफ से शायद शुरू करेंगे, उस तरफ से शुरू करते हुए उधर से कीर्तन करते करते फिर तुम लोग घर में आएंगे, फिर मित्तल प्रभु का घर भी उधर चले जाएंगे, कीर्तन करते 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 खूब धूमधाम से जाएंगे ठीक है। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ताली बजाते कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
प्रसाद ले लो आ जा प्रसाद।